नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 क्षतिग्रस्त बुलेट को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कर से परेशान प्रयागराज के युवक आशीष मिश्रा ने धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इन के एक कमरे में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इमामबाड़ा स्टेट से निकाला गया 12 वफात का जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब व उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धूमधाम से मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जिले में नदियों के जलस्तर में तेजी है जारी। गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी नदी, खजनी में कुआनो और रोहिन नदी के जलस्तर में तेजी के कारण कैंपियरगंज के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे लोग रहे सतर्क, प्रशासन भी है अलर्ट। एक शातिर अपराधी जितेंद्र निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जनपद में धूमधाम व गाजेबाजी के साथ निकाला गया 12 वफात का जुलूस। मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। और रामनवमी के दिन मौसम खराब होने की वजह से पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। कहा, हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। शाहपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पीछे से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पंकज त्रिपाठी पुत्र नर्वदेश्वर त्रिपाठी निवासी राजनगर कॉलोनी आस्था अस्पताल के सामने थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा शिव निषाद उर्फ लकी पुत्र पलचू निषाद निवासी हरसेवक नंबर 1 शिव मंदिर चोला थाना उगलेरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा शिवेश दत्त त्रिपाठी पुत्र राकेश कुमार त्रिपाठी ग्राम करही पोस्ट बरही थाना जगहा जनपद गोरखपुर, हाल पता न्यू कॉलोनी सिंगरिया कूड़ा घाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 क्षतिग्रस्त कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मृतक विकास तिवारी पुत्र रविंद्रनाथ तिवारी निवासी ग्राम तिलौली उर्फ जेहरी थाना कुकुंदू जनपद देवरिया, हाल पता मकान नंबर EWS राप्ती नगर फेज 4 थाना शाहपुर गोरखपुर रिलायंस ट्रेडर्स असुरन के पास मेला देखने गया था कि विपक्षी गणों द्वारा एक साजिश के तहत एक राय होकर जान से मारने की नियत से गाली देते हुए ललकारते हुए 3 राउंड फायर कर गोली मार देना, जिससे मृतक का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देखते हुए घायल व्यक्ति को BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां से इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ले जाते समय युवक की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में मृतक के पिता श्री रविंद्रनाथ तिवारी द्वारा थाना शाहपुर पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखवाया गया, जिसको देखते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि विवेचना से प्रकाश में आया है कि मृतक विकास तिवारी एवं पंकज त्रिपाठी में 4-5 महीनों से पैसों के हिसाब को लेकर काफी मनमुटाव हुआ था। विकास तिवारी द्वारा अभियुक्त पंकज त्रिपाठी को सार्वजनिक रूप से अशब्द बोले गए थे। इसी बीच जुलूस के दौरान लकी निषाद से विकास का झगड़ा हो गया था। इस बात को लकी ने पंकज से बताया था। पंकज ने लकी को उकसा दिया कि विकास तिवारी मुझे भी बेइज्जत किया है, तुम इसे देख लो, और पंकज के साजिश के तहत उकसाने पर लकी ने गोली मार दी तथा वहां मौजूद शिवेश दत्त त्रिपाठी द्वारा हत्या
में प्रयुक्त पिस्टल को लेकर के छिपा दिया गया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, आशीष कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, अजय यादव, राहुल सरोज, अमृत यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, करुणापति तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आशीष का चल 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 ठीक है, दे हैव डन ए वेरी गुड जॉब। और ये जो होता है नहीं बोल दीजिए, मैं कितनी बार है इधर दिखा मुझे ब्लाइंड मर्डर आशीष की हाइट आनी चाहिए पूरी। गोरखपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक मूर्ति जा रही थी जो खजांची चौराहे पर रखी गई थी। जब वो खजांची चौराहे ससुरन पे आई तब उस मूर्ति के पीछे पीछे चल रहे कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ। उसी समय एक लकी निषाद नाम के व्यक्ति द्वारा 3 राउंड फायर करके एक विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। उसके बाद में विकास तिवारी को अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज से फिर उसको लखनऊ रेफर किया गया मैदानता में और उसकी वहाँ मौत हो गई। इसके बाद में पुलिस ने विवेचना की और पूछताछ करने के बाद में पता चला कि एक पंकज त्रिपाठी नाम के व्यक्ति, जिसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे थाना कोतवाली एवं थाना गोरखनाथ में हत्या और हत्या के प्रयास के दर्ज हैं एवं 2 गैंगस्टर के मुकदमे भी उन्हीं थानों में दर्ज हैं। उस व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसे के लेन देन की बात आई है जो एक दिन पहले प्रकाश में आया है और उसी पैसे के लेन देन को लेके उसी को एक छिपाने के चक्कर में उसने लकी निषाद को एक घटना का आपस में लड़ाई का एक रूप दे के उसने उसी गार्ड में उसे फायर करवाया और लकी निषाद ने फिर वो बाद में घटना के बाद में पिस्टल फेंक दिया था जो सिवेश दत्त त्रिपाठी से बरामद किया गया पुलिस द्वारा। इस प्रकार तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एवं हत्या का मोटिव, पैसा का लेन देन एवं उसी वक्त उकसाने को लेकर है। बाकी जो 2 लोग हैं उनका कोई पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिर्फ पंकज त्रिपाठी का ही आपराधिक इतिहास है। थैंक यू। कर्ज से परेशान प्रयागराज के युवक ने गोरखपुर शहर के धर्मशाला बाजार स्थित एक होटल कैलाश इन के कमरे में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। वह पिछले 1 माह से होटल के कमरे में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल का दरवाजा खोलकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक के कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र के लेबर कॉलोनी निवासी उमानंद मिश्रा का 38 वर्षीय बेटा आशीष एक हर्बल कंपनी में ACM के पद पर तैनात था। वह 8 सितंबर से ही धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इनके कमरा नंबर 381 में ठहरा हुआ था। शनिवार को पूरे दिन आशीष कमरे पर ही था। पूरे दिन सर्विस कॉल नहीं आने पर होटल के कर्मचारियों को संदेह हुआ। तब शाम को कर्मचारी कमरे के सामने पहुंचकर गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। गेट नहीं खुलने पर उन्होंने गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी। धर्मशाला चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो आशीष गमछे के सहारे पंखे से फंदा लगाकर लटका हुआ था। पुलिस शव को नीचे उतरवाकर कमरे की तलाशी ली तो 2 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने लोन और कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी थी।
पुलिस परिजनों को घटना की जानकारी देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घटना की सूचना पर रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक आशीष के पिता उमानंद मिश्रा ने बताया कि कंपनी के काम को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। दो भाइयों में बड़ा आशीष एक 6 वर्षीय बेटे का पिता था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के होटल कैलाश इन के कर्मचारियों द्वारा शनिवार को सूचना दी गई कि आशीष मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो काफी दिनों से होटल में रह रहा है, वह अपना गेट नहीं खोल रहा है। जिसकी सूचना पर गोरखनाथ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी करके गेट तोड़ा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ है, जिसकी पहचान आशीष मिश्रा के रूप में हुई है, जिसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है जिसमें मृतक आशीष ने लिखा है कि पापा जी मुझे माफ करना, मैं अच्छा बेटा, पिता और पति नहीं बन पाया। आप सब लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने सब अच्छा करने की कोशिश की पर नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी पापा, आई लव यू। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में एक होटल कैलाशिन के कर्मचारियों द्वारा कल थाना को बताया गया कि एक व्यक्ति है जो यहाँ काफ़ी समय से रह रहा है होटल में, वो आज गेट नहीं खोल रहा है। इस पर थाना पुलिस आई और होटल के कर्मचारियों के साथ में वीडियोग्राफी कर गेट तोड़ा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ था। उसका नाम आशीष मिश्रा बताया जा रहा है और वह व्यक्ति इलाहाबाद नैनी का रहने वाला है। उस व्यक्ति के प्रेस नोट में खुद के घर वालों से परेशान, लोन से परेशान एवं दुनिया पर विश्वास उठ जाने का ऐसा बताया गया है और उसका फील्ड यूनिट द्वारा सर्वे करवाने के बाद में उसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। थैंक यू। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इमामबाड़ा स्ट्रीट से अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने बारावफात के जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा और मियाँ साहब का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके संबंध में अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने बताया कि मोहम्मद साहब के पैदाइश का दिन है। उनके जन्मदिन को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और बारावफात का जुलूस निकाला जाता है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है, जिसको देखते हुए इमामबाड़ा से जुलूस निकाला गया है जो कि मियां बाजार घुस कंपनी चौराहा होते हुए पूरे शहर में घूमता है। वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने कहा कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन को सभी लोग धूमधाम से मनाए, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि किसी दूसरे समुदाय के लोगों को परेशानी हो। जुलूस को शांति के साथ लेकर शहर में निकले। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आपसी भाईचारा बनाकर त्यौहार मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा और इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा Thank you.
कि इस यौम पैदाइश को आप लोग खुशी से मनाएं, लेकिन किसी तरीके का इस तरह का काम न करें जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी परेशानी हो। और ये जो डीजे वगैरह बजाते हैं इसको खामोशी से बजाएं, बहुत तेज़ी से ना बजाएं, और जुलूस को शांति के साथ अपना लेके जाएं और लेकर के आएं। आपसी सौहार्द बनाए रखें, इसका पैगाम हम देना चाहते हैं कि जिस देश में आप रहते हैं उसके वफादार बन के रहिए, जिस सरकार में रहते हैं उसके वफादार बन के रहिए, अपने त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाएं, लेकिन किसी दूसरे को इसकी तकलीफ ना हो इस बात का ख्याल रखें। आज देखिए जो बड़ा वफात का जुलूस निकल रहा है, ये हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन है और इसको पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़ोर शोर से सब लोग मनाते हैं और इसमें तमाम जुलूस निकलते हैं। इसी तरह से इमाम बाड़ा स्टेट पूरब फाटक के जानिब से ये जुलूस हर साल निकलता है और इस बार इन्होंने मुझसे और हर साल की तरह इस जुलूस को जो फ्लैग ऑफ होता है वो मुझसे करवाते हैं, इस साल भी वही के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तमाम धूमधाम से निकाला जा रहा है जी, ये पूरे मियाँ बाज़ार को तो कवर करता है, इसका रूट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ से निकल करके और घोष कंपनी चौराहा मियाँ बाज़ार पूरा ये निकलता है यहाँ का जुलूस, और वैसे तो सारे शहर के जुलूस जो है वो चारों तरफ निकलते हैं पूरे शहर में। गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी, खजनी में कुआनो और कैंपियरगंज में रोहिन का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। अन्य क्षेत्रों के गांव में बाढ़ का पानी आने की संभावना बनी हुई है। यह जानकारी एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि 10 और 11 अक्टूबर तक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे हैं वह नदियों में किसी कारण ना जाएं, और अगर बाढ़ का पानी उनके आसपास या गांव में होता है तो ऊंचे स्थान पर या बाढ़ आश्रय स्थल में आ जाएं तथा घर के अंदर जो भी सामान या आवश्यक कागजात है उसे सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि किसी प्रकार की हानि होने से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। समस्त जनपद वासियों को और विशेष तौर पे राप्ती, सरयू, रोहिन, कुआनो नदियों के जो लो लेवल एरिया में बसे हुए गांव हैं और नागरिक हैं, आप सबको सूचित करना है कि कल परसों तक हमारे यहाँ अभी बलरामपुर में बाढ़ की स्थिति है, धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है और कल परसों तक अर्थात 10-11 तक हमारे यहाँ पानी अभी डेंजर लेवल पे तो ऊपर हैं ही नदियाँ, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मेरा अनुरोध है सभी ग्रामवासियों से जो लो फ्लड लेवल एरिया में रह रहे हैं, कृपा करके नदियों में ना जाएं, और अगर बाढ़ का पानी उनके गांव के आसपास होता है, उनके गांव मैरूंड होते हैं, तो पहले से चिन्हित ऊंचे स्थल पर बाढ़ सरलालय में आ जाएं, अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दवाइयां हैं, जो आवश्यक कागजात हैं उनको कहीं सुरक्षित रख दें, और उनको लेकर के बाहर आने की स्थिति हो तो उसको सुरक्षित रूप से बाहर लेकर के आए। कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है और कितने गांव प्रभावित हैं? ये गोला में जो बड़हलगंज का क्षेत्र है वहाँ एक तरफ से सरयू और एक तरफ से राप्ती, इसी तरह से सहजनवा में आमी का क्षेत्र और खजनी में कुआनो का क्षेत्र, कैंपियरगंज में रोहिन का क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इन तीनों नदियों में राइजिंग ट्रेंड है अभी, और गाँव के जो नज़दीक के गांव हैं, नदियों के नज़दीक के गांव हैं उनमें पानी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि पहले से सूचना है आपको तो कोई भी दुर्घटना ना हो इससे आप सचेत रहें। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 क्षतिग्रस्त बुलेट को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। से परेशान प्रयागराज के युवक आशीष मिश्रा ने धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इन के एक कमरे में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही।
हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इमामबाड़ा स्टेट से निकाला गया बारह वफात का जुलूस इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब व उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धूमधाम से मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जिले में नदियों के जलस्तर में तेजी है जारी। गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी नदी, खजनी में कुआनो और रोहिन नदी के जलस्तर में तेजी के कारण कैंपियरगंज के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे लोग रहे सतर्क, प्रशासन भी है अलर्ट। एक शातिर अपराधी जितेंद्र निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जनपद में धूमधाम व गाजीबाजी के साथ निकाला गया बारह वफात का जुलूस, मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। और रामनवमी के दिन मौसम खराब होने की वजह से पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। कहा, हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जितेंद्र निषाद पुत्र रामकिशोर निषाद निवासी पथरा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक जय कुमार, विजय गौर, देवेंद्र सिंह यादव, कांस्टेबल राहुल यादव, अमित गिरी, आनंद राजभर शामिल रहे। जनपद में मुस्लिम समुदाय के द्वारा धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बरवफात का जुलूस निकाला गया। लोगों ने मस्जिद व मदरसों में इबादत की। इसी दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि बरवफात के जुलूस को देखते हुए हर जुलूस के साथ एक नोडल अधिकारी को तैनात किया गया है, जो कि पूरे जुलूस के साथ रहेंगे। सभी प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस, पीएसी, एसएसबी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जुलूस सुबह से ही शुरू हो गया है, जो कि रात 2 बजे तक चलता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जुलूस निकालने वाले आयोजकों और सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, we'll be right back.
जो निकाला जा रहा है मोहम्मद साहब के आमद पे उनके जन्मदिन पे, और ये किलमापुर और परवलिया दिलवार का 5 साल से जुलूस निकलता है किलमापुर पुरवानी बाग नूर मस्जिद और डीसी होटल परिया और अपने मदरसे का जुलूस निकलता है 5-6 साल से लगातार निकलता है और हर साल की तरह आदम तराम से जुलूस निकाला जाता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, प्रशासन के साथ सब लोग मिलकर जुलूस उठाते हैं। बड़ा फोर्ट के जुलूस को देखते हुए हर जुलूस के साथ एक नोडल पुलिस अधिकारी लगाया गया हुआ है और उसके साथ दो, जैसे जुलूस की भाग लेने वालों की संख्या है उसके अनुसार 2 से लेकर 4-5 पुलिस बल जुलूस के साथ चलेंगे और प्रमुख चौराहों पर पैरामिलिट्री फोर्स PAC लगाई गई है जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए। जुलूस को परंपरागत रूप से 2 बजे तक चलता है और आज सुबह से ही प्रारंभ हो गया है जो रात में 2 बजे तक चलेगा। राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति द्वारा पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने बताया कि राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा साल में 2 बार भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर साल नवरात्र में रामनवमी के दिन भंडारा किया जाता है लेकिन मौसम खराब हो जाने से पूर्णिमा के दिन भंडारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के सहयोग से करीब 15 वर्षों से भंडारे का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि इस भंडारे की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था लेकिन समय व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद लोगों के साथ हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि इस भंडारे में 3,000 से 3,500 लोगों को भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष सूरजनाथ गुप्ता, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, अनिता अग्रवाल, अरुण सरावगी, आनंद कुमार त्रिपाठी, मणिनाथ गुप्ता, केशव वर्मा, रमेश गुप्ता, रोहित गुप्ता, विशाल सिंह, रूपेश कश्यप, प्रशांत त्रिपाठी, रत्नेश गुप्ता, गोलू यादव, सुधीर सिंह, दयाशंकर गुप्ता, सुमित आकाश गुप्ता, लक्ष्मण, मुन्ना सिंह, पंकज सिंह, मोहम्मद रईस, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, अंबरदीप आर्या, रोली पाठक, प्रिंस चौहान आदि उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस प्रभारी, राज उत्सव एवं राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा, पवित्र पवित्र No!
श्री राम की जय। राज उत्सव किस तरह के आयोजन किया जाए? ये भंडारे का आयोजन हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है दोनों नवरात्र में, ये 15वां साल है लगातार और सबके सहयोग से हो रहा है। 15 साल हो गए लगभग। कितने श्रद्धालुओं के यहाँ? कम से कम 4,000 से 5,000 लोगों के का भंडारा होता है, आयोजन करते हैं। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, संयोजक राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति। किस तरह का आयोजन? ये राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति की तरफ से हर वर्ष में दो बार जो है इस भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया पानी की वजह से, इसलिए आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स के लोग इसका आयोजन में हिस्सा लेते हैं और सभी का सहयोग से ये आयोजन होता है हर साल। ये करीब 15 वर्षों से लगातार हो रहा है और इसका प्रथम वर्ष जब हम लोग ने किया था, इसका शुरुआत किया था, उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे सांसद महोदय भी इसमें आए थे। इस समय समय भाव के कारण वो हम लोग के साथ नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हमेशा आशीर्वाद उनका हम लोग के साथ रहता है। कितने श्रद्धालु यहाँ के? करीब 3,000 से 3,500 आदमियों को हम लोग प्रतिवर्ष भोजन कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 क्षतिग्रस्त बुलेट को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कर से परेशान प्रयागराज के युवक आशीष मिश्रा ने धर्मशाला बाजार स्थित होटल कैलाश इनके एक कमरे में फंदे से लटक कर की खुदकुशी। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इमामबाड़ा स्टेट से निकाला गया 12 वफात का जुलूस। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियां साहब व उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धूमधाम से मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जिले में नदियों के जलस्तर में तेजी है जारी। गोला क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी, सहजनवा में आमी नदी, खजनी में कुआनो और रोहिन नदी के जलस्तर में तेजी के कारण कैंपियरगंज के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ क्षेत्र में या नदी के किनारे रह रहे लोग रहे सतर्क, प्रशासन भी है अलर्ट। एक शातिर अपराधी जितेंद्र निषाद को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जनपद में धूमधाम व गाजेबाजे के साथ निकाला गया 12 वफात का जुलूस। मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन, सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। और रामनवमी के दिन मौसम खराब होने की वजह से पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। कहा, हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।